हेलो एवरीवन, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पे लाइव जुड़े हुए हैं आप सभी की फेवरेट क्लास में। तो वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पर। तो सभी लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो ज्वाइन हो जाइए। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन, ठीक है। तो फटाफट से सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट्स देख रहे हैं सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे जुड़ सकें। और आज का सेशन बनाते हैं एकदम ऐतिहासिक, बहुत ही धमाकेदार, जैसे हमारा हर सेशन होता है। सबसे पहले तो भाई आज के सेशन की स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन हाँ भाई दिख रहा होगा कुछ आज कुछ खास दिन है। अब भाई खास दिन तो है, लेकिन पढ़ाई तो नहीं छूटनी चाहिए ना। तो मैम का जो फंडा है वो तो यही है कि भाई चाहे हमारा कोई भी फेस्टिवल है, बट पढ़ाई जिस एम के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं वो हमारे पीछे नहीं छूटनी चाहिए, है ना। जो गोल हमने बना के रखा है उसमें हमें आगे रहना ही है, उसे साइड वाइज करके हम लोग एकदम एंजॉयमेंट करें ऐसा नहीं है, है ना। तो इसी एम को सामने रखते हुए गाइज यहाँ पर मैं आप सभी के साथ जुड़ी हुई हूँ, और विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से आप सभी को। यही बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली आपको और आप सभी के परिवार को। ये जो त्यौहार है वो बहुत बहुत स्पेशल तरीके से आप लोग मनाइए इसको, ठीक है। तो ये जो त्यौहार है हमारा फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जिसे हम लोग कहते हैं, है ना। तो भाई ये त्यौहार जैसे हमारे जीवन में लाइट्स का बहुत बड़ा महत्व है, जिस तरीके से ये त्यौहार हमारा जो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, है ना, चला आप लोग मना रहे हैं, इसे डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से मनाइए। बट आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने परिवार का ध्यान रखें, उनके साथ रहें, उनके साथ एंजॉयमेंट करें, अपने फैमिली के साथ रहें, है ना। और अपने माँ बाप का नाम उसी तरीके से, माता पिताजी का नाम उसी तरीके से आप लोग रोशन करें जैसे कि ये फेस्टिवल हमारे जीवन में आता है, राइट। बट हाँ, पटाखों से थोड़ा सा दूर रहना, है ना। तो त्यौहार तो मनाओ, आराम से मनाओ, कोई इशू वाली बात नहीं है, बट ठीक है, लेकिन अच्छे तरीके से टेक केयर करके और बिल्कुल सावधानी से। कोई भी आप लोगों को जो है ऐसा नहीं कि मस्ती मजाक बहुत ज़्यादा चल रहा है और फिर हम लोग भूल जाते हैं ना कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ भी, तो सारी चीज़ें देख के। ओके चलिए, तो लेट्स स्टार्ट अपना सेशन स्टार्ट करते हैं गाइज। और आप सभी को पता है इसीलिए भी मैंने क्लास मिस नहीं किया है। स्टूडेंट्स आप सबको मालूम है कि जो हमारा SSC का पेपर है GD का, वो आने वाला है, और पेपर आने वाला है तो उसके साथ हमें कोई भी यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा लापरवाही नहीं होना चाहिए, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा सेशन को, है ना। एक बार फिर से आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और भाई यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक परिवार का भी यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा इमेज लगाया हुआ है। इससे यही मैसेज देना चाहूँगी आप सभी को कि आप सभी लोग अपनी फैमिली के साथ रहें, हैप्पी रहें, अपने मम्मी पापा अपने पेरेंट्स के साथ रहें, खुश रहें, और ये दिवाली का जो त्यौहार है वो इसी तरीके से मनाइए, ओके। चले गाइस, सबसे पहले तो आपका ये जो टेस्ट है, सब संडे जो भी आएगा आपका अपकमिंग 12 बजे संडे को आप लोग ये टेस्ट दे सकते हो। हर बार अनअकैडमी पर नाम आपको रितिका 10 कोड लगाना है, और रितिका 10 कोड लगा के ये टेस्ट आप बिल्कुल फ्रीली दे सकते हो। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिलेगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। उस लिंक के थ्रू आप लोग डायरेक्टली इस टेस्ट से जुड़ सकते हैं, है ना। फ्री क्लासेस के बारे में गाइस, इंपॉर्टेंटली फ्री क्लास मेरी 11 बजे सुबह, शाम को 4 बजे और रात को 8 बजे चलती है, ठीक है। डेली आप लोग इस टाइमिंग पे क्लास कर सकते हैं। एंड गुड न्यूज़ इज़ दैट कि 4 PM से जो क्लास होती है वो आपकी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है इस समय। 4 बजे से शाम को टॉपिक वाइज क्लास चला करेगी, तो आप लोग मेरे साथ हर शाम 4 बजे भी जुड़ सकते हैं टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए, ठीक है। एंड नाम बस अब आपको मेरा रितिका तोमर सर्च करना है, RITIKA TOMAR। जैसे ये नाम आप लोग सर्च करते हैं, जी ये नाम जैसे आप लोग सर्च कर लोगे ना, आप लोगों को मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। तुरंत आप लोग इस नाम को सर्च करके मेरी प्रोफाइल को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। फॉलो जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको क्लास नहीं मिलने वाला है, है ना। तो फॉलो कर लीजिएगा फ्री क्लासेस के लिए, ओके। चलिए, वीडियो के नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप इस क्लास को जरूर फॉलो कर सकते हो गाइज, है ना। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको लिंक मिलेगी। जो लोग प्लस के कोर्सेज पे जाना चाहते हैं, नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो जैसे आप प्लस के कोर्स पे जाएंगे, 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे आपको, 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में गाइज आप लोगों को 4 मंथ एक्स्ट्रा एडिशनल मिलेंगे, और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 8 महीने एक्स्ट्रा, ठीक है, अगर आप लोग अभी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं। साथ ही साथ 20% भी आप लोगों का अमाउंट लेस हो जाएगा रितिका 10 अगर आप कोड लगाते हो तो, ठीक। कोड रितिका 10 यूज़ करना है अपने कॉइन्स के साथ, 20% अमाउंट लेस हो जाएगा रितिका 10 से और कॉइन से मिलाकर, ठीक है ना। तो याद रखना कि हम जब भी ज्वाइन करें मैम का हम लोग कोड लगाएं, ठीक है। चलिए अभी सब लोग रेडी हो गए,
चलो भाई, आज सभी बच्चे हमारे साथ आ भी गए हैं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली लगा हुआ है। सब दिवाली के कारण काफ़ी खुश हैं, है ना। दिवाली मना रहे हैं अच्छे तरीके से। चले तो अच्छी बात है भाई, आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, दिवाली मनाइए। डेफिनेटली मेरी अच्छी वाली विशेष आप लोग के साथ है। आप जल्दी से एक बार रेडी वाला कमेंट कर दीजिए बस आप लोग, फिर हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जीडी के लिए स्पेशली ये पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आपका जीडी का एग्जाम आने वाला है गाइज, राइट। तो स्पेशली एसएससी जीडी के लिए हम लोग ये एग्जाम जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, ये जो पेपर है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग इस चलिए गाइस स्टार्ट। अभी तो सारी चीजें ओके हैं, बीच में जस्ट 1 सेकंड के लिए कभी एक आध बार अगर इस तरीका का हो जाए तो आप लोगों को क्लास छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में गाइस आपको पता है ना, बारिश वारिश होती रहती है, तो उस वजह से ये नेट का जो प्रॉब्लम है काफी आता है। तो गाइस आप लोग अगर पीडीएफ ज्वाइन करना चाह रहे हो ना, सबसे बड़ी बात है, अगर आप लोग यहाँ पे पीडीएफ के लिए भाई परेशान है, समस्या है आप लोगों को, अगर आप पीडीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ के लिए अगर आप लोग को दिक्कत है, ठीक, तो आप लोग पता है क्या करोगे, ऑफिशियल चैनल मेरा सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे। ऑफिशियल चैनल है ये, सर्च करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है रितिका तोमर ऑफिशियल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम होगा रितिका तोमर ऑफिशियल, इससे आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से आराम से जुड़े रहेंगे, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बताइए भैया इस सवाल का जवाब, यार ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ज्यादा नहीं, लेकिन लिख लेना मेरे, मानो जो भी कुछ लिखा हुआ है इसे पहले अलग अलग लिखना, उसके बाद लास्ट में मिला देना। चलो मनाओ इसको। हाँ ये क्लास यूपीएसआई के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं, आराम से कर सकते हैं। बन गया, चलिए देखते हैं कितने लोगों का निकल के आया। सबसे पहले लिख लो ना यार, क्या दिक्कत है, अहमद हामिद से बड़ा है, अलग से लिख लो, हम बाद में बना लेंगे। अहमद जो है वो हामिद से तो बड़ा था, जैसा लिखा है क्वेश्चन में, बाद में मिला देना, पहले अलग अलग टुकड़े लिखा करो, बाद में मिलाया करो। रवि राकेश के बराबर है, ठीक है, रवि जो है वो राकेश के बराबर है, याद रखना, है ना, राकेश के बराबर है रवि, राकेश और रवि बराबर बराबर, दोनों के दोनों, ठीक है। अच्छा फिर लिखा है, लेकिन आनंद शशि से छोटा है जो राकेश के बराबर का है, ठीक है, आनंद शशि से छोटा है, ठीक है, शशि से छोटा है कौन, आनंद, अच्छा जो राकेश के बराबर है। ये जो का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है गाइज, आप लोग मुझे सबसे पहले तो यही बता दो, जिसने इस जो का मतलब नहीं समझ पाएगा वो क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, गलत हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए जो का सेंस किसके लिए हो रहा है। गाइज मैं आपको बता दूं कि जो का सेंस हमेशा सेकंड वाले पर्सन के लिए होता है, यानी कि शशि के लिए। इसका मतलब जो आनंद है वो शशि से छोटा है, लेकिन शशि जो है वो राकेश के बराबर का है, तो यहाँ पे ये राकेश के बराबर हो गया, क्वेश्चन तो सॉल्व होने ही वाला है हमारा। यदि हामिद राकेश से बड़ा है, लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हामिद को राकेश से बड़ा बनाना था, बन गया क्वेश्चन। अब फाइनल लिख रही हूं मैं, ठीक है, सबसे पहले आएगा अहमद, उससे छोटा होगा हामिद, फाइनल लिख रही हूँ, फाइनल जो मेरा निकला है कंक्लूजन, हामिद से छोटा है राकेश, ठीक है, है ना, राकेश से छोटा है, राकेश के बराबर का है शशि, ठीक है, और रवि भी इनके बराबर का ही है, ये सब बराबर वाले हैं, ठीक है, रवि भी इनके बराबर का है, और शशि से छोटा है आनंद, तो बेचारा आनंद सबसे छोटा हो गया यहाँ पे, और बड़ा हो गया अहमद। तो आपसे पूछा गया था सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है और सबसे छोटा व्यक्ति, डेफिनेटली आंसर इसका सी आएगा आपके सामने, अहमद और आनंद, ठीक है। तो बड़े ही आनंद के साथ हमारा आंसर आ चुका है, अहमद और आनंद, सही है ना, अहमद पे टिक करिएगा और आनंद पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसका आंसर कौन बताए, एकदम नए टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल नया, बिल्कुल अलग, एकदम न्यू पैटर्न, इसको करके बहुत मजा आएगा आप लोगों को, करो जरा। और भैया प्लीज कृपया करके यहाँ पे बातें ना करें, ठीक है,
जो भी लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं टाइम पास करने के लिए आए हैं, आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, बातें करके कृपया करके टाइम वेस्ट ना करें और दूसरों के डिस्टर्ब ही ना करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, है ना, दिवाली के दिन थोड़ा सा, ठीक है, दिवाली के टाइम पे थोड़ा सा शांति बनाए रखें कृपया करके। टाइम पास वाले बच्चे सारे चले जाएँ यहाँ से, है ना, कोई ज़रूरत नहीं है क्लास में उनकी, आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे सबको पढ़ने दीजिए जो लोग पढ़ने वाले हैं। ये क्लास ग्रुप डी के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करके आ रहा था ना, अरे यार हाँ, तो बताओ अब कौन नहीं बता पाएगा इस सवाल को, था कि नहीं सिंपल, मान लो पेपर में ऐसा ही आ गया, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि सिंपल है, कुछ इतना कठिन तो है नहीं। चलिए अब करें कैसे इसको, देखो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें, इन दोनों को ऐड किया गया गाइस, ठीक है, यहां लिख दिया, इन दोनों को ऐड करके यहां लिखा है, समझ रहे हो, लास्ट वाला लास्ट में लिख दिया, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके यहां लिखा और इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया, समझ रहे हो, दो दो को ऐड करना था, तीसरे वाले को एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे भी दोनों को ऐड कर दिए, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे 25 आ जाएगा, इन दोनों को भी अगर आप ऐड करेंगे तो भी 25 आएगा, और ये भी वाई हो जाएगा, ये भी वाई हो जाएगा, तो आपका आंसर तो यहाँ पे वाई वाई आ जाएगा ना, सेकेंड सेकेंड आ जाएगा वाई वाई, ठीक है, टू लेटेस्ट पोजिशन को ऐड करके बनाया गया है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फास्टेस्ट अगला सवाल, इसका आंसर निकालना क्या बनेगा, राइट का कोड, ग्रीन का कोड, फिर बताइए, नाइट का कोड क्या लिखा जाएगा यहां पे, हाँ फेस 9 के लिए भी ये क्लास कर सकते हैं, कोई शो नहीं, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो डायरेक्ट कोडिंग है ना, इसमें तो कोई इशू नहीं है, तो डायरेक्ट कोडिंग वाला सवाल है, कैसे करेंगे भाई, जो जिस लेटर के सामने लिखवाओगे वही उसका कोड है, निकाल लो बस, फिर क्या है, नाइट का कोड यहाँ से ये आई से लेकर जीएचटी का तो पूरा यहाँ से निकाल लेना, 3195 पूरा कॉपी कर लो, 3195 लास्ट में आना चाहिए, ठीक है, और एन का कोड लास्ट से, ग्रीन के लास्ट से निकालना, 0 आएगा, 03195, बताओ कौन सा आंसर है इसमें, ये सी वाला आंसर हो गया, दिवाली चल रही है, दिवाली का समय चल रहा है ना, तो रॉकेट जी आ रहे हैं आज हमारे पास, ठीक है, लो चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला सवाल कौन करेगा भैया, टाइमर स्टार्ट कर दिया 20 सेकंड्स के अंदर, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, क्या आया इसका आंसर, अच्छा लॉजिक बताएंगे आप लोग मुझे, यहाँ पे लॉजिक बताइए जरा, क्या आया लॉजिक, कौन कौन बता सकता है इस क्वेश्चन का, देखो ऐसे करना है, वही था पिछले वाले में, क्या था बगल बगल वाले को ऐड करना था, लेकिन इस बार अल्टरनेट वालों को ऐड करना पड़ रहा है, अल्टरनेट वालों को ऐड करना पड़ रहा है, यानी आई का एडिशन ओ के साथ करा है इन्होंने, आई का एडिशन ओ के साथ करा है, ठीक है, तो कितना आ रहा है, 15 और 9 24 हो गया, 24 नंबर का लेटर आ गया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया 16 नंबर, तो 16 यहाँ पे लिख दिया, तो आप लोग भी इन दोनों को ऐड करिएगा, और इन दोनों को ऐड करना, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो आता है 21, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आता है 6, यानी कि हमारे पास आना चाहिए था यू और एफ, तो हमारे पास एफ यू लिखा हुआ है, तो हम काम चला सकते हैं ना, अल्टरनेट में ऐड करना था, हाँ 27, एफ और यू बराबर 27 हो जाएगा, लेकिन अल्टरनेट में ऐड करना था, है ना, इसमें पता कैसे आ रहा है, पहले वाले का समझ में आया कैसे आया, पहले वाले में ऐसा आया कि इन दोनों को ऐड कर दिया, लास्ट से अल्टरनेट में चले गए,
15 और 5 बराबर 20 हो गया, बचे हुए इन तीनों को ऐड कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, बचे हुए हमने इन तीनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 21। ऐड करना है सबको, अल्टरनेट में करना था लेकिन इस बार, पिछले बार बगल बगल वाले, इस बार अल्टरनेट वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। दक्षिण में दिशा किए हो चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा, अरे चलिए इसको करिएगा। हाँ प्रदुमन लोदी जी, बता तो दिया ऊपर वाले का कैसा करना है, बताया तो। हाँ रेगुलर क्लास इसी टाइमिंग पे होती है डेली डेली, ठीक है, रेगुलर क्लास इसी टाइमिंग पे होती है डेली 9:15 पे। चलो यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे एक सीरीज चल रही थी। हर बार ये नंबर जो है ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहले यहाँ पे आया उसके बाद देखो यहाँ पे आ गया, फिर नीचे चला गया, अब कहाँ आ जाएगा बताओ, अब आ जाएगा 4 यहाँ पे, और 4 के बाद सारे क्लॉकवाइज में ऐसे लिखे हुए हैं 5, 6, 7 बढ़ते हुए क्रम में, तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, गलत मत कर देना, इसका आंसर आपको मिलेगा सी वाले पे। ठीक है, हाँ सी पे इसका आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो फिर से मैं बता दूं कैसे कर सकते हैं। अनअकैडमी पे सबसे पहले आपको मेरा नाम सर्च करना है, ये लिखा हुआ है, मैम का नाम सर्च करें और फॉलो कर लीजिए मुझे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इस वीडियो के नीचे से लिंक निकाल के फॉलो करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं, वीडियो के नीचे लिंक भी लगा हुआ है। कंप्लीट कोर्स जो लोग प्लस पे ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले प्लस की बेनिफिट्स तो देख लो क्या है भाई, वीकली टेस्ट के साथ लाइव क्लासेस और हर हफ्ते 32 से ज़्यादा नए बैचेस शुरू होते हैं, तो आप अनलिमिटेड कितनी भी क्लासेस कर सकते हो। स्टडी मटेरियल 20,000 क्वेश्चंस का PDF मिलता है, स्टडी प्लानर गाइडेंस, वीकली टेस्ट का एनालिसिस भी होता है, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं आप टीचर्स से, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपको ज्वाइन करना है प्लस का कोर्स तो आप कैसे ज्वाइन करेंगे, देखिए भाई सबसे पहले आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, ठीक है ना। एक साल का कोर्स ज्वाइन करना है तो 4 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा, इस समय ऑफर चल रहा है, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 8 महीने एक्स्ट्रा। तो आप यहाँ पे डिस्काउंट के लिए क्या कोड लगाओगे, नीचे कोड पूछेगा रितिका 10 लगाना, RITIKA10 जैसे जोमेटो में लगाते हो ना सेव 10 या जो भी, यहाँ पे रितिका 10 लगेगा। फिर प्रोसीड टू पे करोगे ना, जैसे आप रितिका 10 लगाओगे ना गाइज, आप लोग देखोगे कि आपका 10% अमाउंट सीधे कम हो गया, ठीक है, 10% तो सीधे सीधे लेस हो जाएगा ऐसे ही। और अगर और एक्स्ट्रा में चाहिए तो अपने कॉइन्स लगा लेना और लास्ट में पेमेंट कर देना, जैसे आप लोग करते हो कार्ड से, डेबिट कार्ड से, UPI से, जिससे भी करना हो, ठीक है। तो कोड शुड बी, कोड क्या रहेगा रितिका 10 ही रहना चाहिए, ठीक है, कोड आपका रहेगा रितिका 10, याद रखिएगा रेफरल कोड रितिका 10 है। रेज हैंड का ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ये स्पेशल जो है आपका फीचर, आप अनअकैडमी की फ्री क्लासेस में अपने फेवरेट एजुकेटर से बात करने के लिए कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, ठीक है। वीडियो के नीचे रिपोर्ट एंड विन लिंक लगा हुआ है, अगर आपको लगता है वीडियो में कुछ गलत है देन आप उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके सो गाइज, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में कल शाम को 9:15 पर ऐसे ही बढ़िया धमाकेदार सेशन के साथ। जब तक कि आप लोग मेरा कोड याद रखना रितिका 10, एंड हाँ अभी जितने भी लोग हैं वो सभी लोग तैयारी करिए, ऑल द बेस्ट सभी को जिनका SSC GD का एग्जाम आने वाला है। एंड हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंटली सभी लोग मुझे टेलीग्राम पे अभी फॉलो कर लो, रितिका तोमर ऑफिशियल इज द टेलीग्राम चैनल, रितिका तोमर ऑफिशियल। और अनअकैडमी पे क्या नाम से सर्च करोगे, फॉलो करोगे रितिका तोमर, तभी तो फ्री क्लास कर पाओगे ना।